नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन एकेडमी के पीईटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग पीईटी के एक श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो क्लासेस अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आपके स्तर पर एक कंटिन्यूटी बनी रहे और आप अपनी तैयारी को जो है अंतिम रूप देने में जो है सफल हो सके। इसके बाद धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी उपलब्ध करवाया जाएगा क्वेश्चन का, ताकि आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो सके। तो आज के इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग संविधान के अंतर्गत स्थानीय सुशासन में पंचायती राज पर चर्चा करेंगे कि स्थानीय सुशासन में पंचायती राज के बारे में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले इसमें हम स्थानीय सुशासन को ही समझ लेते हैं कि स्थानीय सुशासन का क्या तात्पर्य होता है। हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें केंद्रीय, प्रांतीय और बाद में जो है एवं नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। तो अगर हम इसको देखें पद सोपानिक ढंग से, इसके ढांचे को देखें, तो इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं जो है बनती हैं। यहाँ पर जो है सेंटर की व्यवस्था है, इसके बाद यहाँ पे स्टेट की व्यवस्था है, फिर यहाँ पे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, इस तरीके की एक हायरार्की जो है दिखाई पड़ती है। तो अब हम आज के लेक्चर में यहाँ पे बात करेंगे, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, आज हम यहाँ पर स्थानीय सुशासन के बारे में बात करेंगे, यानी कि राजनीतिक पद सोपान में, राजनीतिक व्यवस्था के पद सोपान में निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर या निचले स्तर पर प्रतिनिधियों का चयन किया जाना और इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन और विकास को किया जाना ही स्थानीय सुशासन कहलाता है। यानी कि राजनीतिक जो पद सोपान की व्यवस्था हायरार्की है ऊपर से नीचे की, उसमें जो है निचले स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास और प्रशासन के कार्य को संपादित करना ही स्थानीय सुशासन कहलाता है। अब यहाँ पे दो प्रकार के जो है स्थानीय सुशासन की बात कही जाती है, एक जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सुशासन और दूसरा जो है वो शहरी क्षेत्र में स्थानीय सुशासन की बात होती है। ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय सुशासन को हम लोग जो है पंचायत कहते हैं और शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय सुशासन है उसको जो है नगर पालिका कहा जाता है। तो ये बातें आप लोगों को एक साइंटिफिक ढंग से समझ में आ गई होंगी कि स्थानीय सुशासन क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय सुशासन को पंचायत और शहरी क्षेत्र के स्थानीय सुशासन को नगर पालिका कहा जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो स्थानीय सुशासन की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। चोल काल में जो स्थानीय सुशासन के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वहां पर स्थानीय सुशासन की व्यवस्थाएं थी। और मध्यकाल में जब हम आकर देखते हैं तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय सुशासन की स्थापना की गई, इसीलिए भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक भी कहीं कहीं कहा जाता है। ये डेटा मिलता है 1882 ईस्वी में। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी हमेशा जो है गांव के जो है विकास और समृद्धि के लिए जो है पक्षधर रहे हैं, इन्होंने भी जो है गांव के विकास पर बल दिया और कहा कि देश की खुशहाली जो है वो गांव की समृद्धि और विकास पर ही निर्भर करती है। और अंत में जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भारत में पंचायतों के गठन की बात कही गई है और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करने की बात कही गई जिससे वह एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम करने में सफल और सक्षम हो सके। तो ये जितनी भी बातें बताई गई हैं सारी की सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, बस एक कहानी के माध्यम से उसको समेटने का प्रयास किया गया है। ये भी चीजें पूछी गई हैं, ये भी चीजें पूछी गई हैं, ये भी चीजें पूछी गई हैं और ये भी चीजें पूछी गई हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा टारगेट है जो भी समय आप लोगों के लिए बचा हुआ उसमें ऐसी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाए जिससे कि आप परीक्षा में बहुत ही मजबूती के साथ जो है उतर सके। तो ये बातें रही जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक सामान्य परिचय के रूप में। अभी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो प्रयास था वो स्वतंत्रता और संविधान लागू होने के बाद से ही प्रारंभ हो गया और इसके लिए कई कार्यक्रम बनाए गए, कई समितियां बनाई गई, हम उनको भी क्रमशः देख लेते हैं क्योंकि वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि 1952 ईस्वी में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम,
सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर जो विकास के कार्य को संपादित किया जा सके। यद्यपि इसमें कुछ समस्याएं थी, लोग उतना सहयोग नहीं कर पाए, स्वतंत्रता के बाद तत्काल की जो व्यवस्थाएं थी तो ये कार्यक्रम बहुत सफल नहीं हो पाया। और 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो है पूछा जा चुका है, जो कि 1953 ईस्वी में संचालित किया गया था। और इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए और उस पर सुझाव देने के लिए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की, बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता जो है समिति का गठन किया गया था, जिनसे जो है ये अपेक्षा की गई थी वो पूर्व के कार्यक्रमों की समीक्षा करें और स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए जो है एक खाका प्रस्तुत करें। तो इन्होंने जो है अपने रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जो है एक योजना प्रस्तुत की, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में त्रिस्तरीय ढांचे का जो है सुझाव दिया, त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया, गांव स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिले स्तर की बात की गई, जो कि वर्तमान समय में भी लगभग उसी प्रकार के खाका और ढांचा पंचायतों के संदर्भ में कहीं ना कहीं जो है दिखाई पड़ता है। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद 1977 ईस्वी में, यहां पर एक बात और भी ध्यान में रखना होगा कि 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर नामक स्थान पर, नागौर जिले में गांधी जयंती के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई नागौर में। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आप लोगों के यहाँ भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए ये डेट भी ध्यान में रखना है। क्रमागत रूप में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आपको यहाँ से चीजें समझ में आ सके। बलवंत राय मेहता बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, शायद बॉलीवुड की फिल्मों में भी बलवंत राय का नाम आपने सुना होगा। अभी बात और है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालिए कि इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो थोड़ा सा चीजों को किसी घटना से जोड़कर देखेंगे तो याद करने में भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब 1977 ईस्वी में हम लोग आते हैं, 1977 ईस्वी में अशोक मेहता जो है समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने जो है भी पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्र के विकास का जो विश्लेषण किया और इन्होंने जैसे यहाँ पे त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया गया था, वैसे द्विस्तरीय ढांचा भी इन्होंने जिला परिषद और मंडल पंचायत दो की जो है बात इनके द्वारा जो है किया गया। और ये जो है जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन, अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार थी और उसी के द्वारा इनका गठन किया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में द्विस्तरीय। तो यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ और दूसरा इन्होंने दो स्तरीय जो है पंचायती राज ढांचे का जो है अपने रिपोर्ट में अनुशंसा किया। 1985 ईस्वी में हम लोग आते हैं, जीबीके राव समिति का जो है गठन किया गया 1985 ईस्वी में। और यह समिति जो है वो योजना आयोग के माध्यम से गठित की गई थी, इसका मुख्य जोर रोजगार और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बल देना था। ये 1985 ईस्वी में बनाई गई थी, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। और 1986 ईस्वी में आकर के जो है राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो है एम एल सिंघवी
एमएल सिंघवी समिति का गठन किया गया था। एमएल सिंघवी समिति ने जो है पंचायत के पुनरुद्धार पर एक समिति बनाई टॉपिक के अंतर्गत, जिससे कि लोकतंत्र को स्थानीय स्तर पर स्थापित किया जा सके और उसका विकास किया जा सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के पुनरुद्धार टॉपिक पर जो है एमएल सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में गठित की गई और इन्होंने ग्राम सभा के पुनर्गठन पर बल दिया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात इन्होंने कही थी। लेकिन अगली समिति जो 1988 ईस्वी में आती है वो थी पीके थुंगन समिति, जिसे थुंगन समिति कहा जाता है। यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं और इसी समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगर ये सवाल परीक्षा में पूछता है कि किस समिति के रिकमेंडेशन पर जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है होना चाहिए कि 1988 ईस्वी में जो गठित पी के थुंगन समिति के संस्तुति के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बाद में जो है पीवी नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में पंचायत एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि 1993 ईस्वी में जो है लागू होता है। पंचायतों को जो है 24 अप्रैल को लागू किया गया था, इसीलिए जो है 24 अप्रैल की तिथि को जो है पंचायती राज दिवस के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज दिवस जो है क्या है, वो 24 अप्रैल है, क्योंकि 24 अप्रैल को ये लागू किया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 है, दोनों 92 के नाम से है, लेकिन इन दोनों को जो है लागू जो है 93 ईस्वी में किया गया था और पंचायतों को 24 अप्रैल को लागू किया गया था। इसी कारण से इसे जो है पंचायती राज तिथि दिवस कहा जाता है। यहाँ पे एक बात इसको पूरा ध्यान दे दीजिएगा कि ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। तो अब इसके माध्यम से आप लोगों को ये एक ऐतिहासिक विकास क्रम के बारे में जानकारी हुई। अब जो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया उसके बारे में जो है जो व्यवस्था और प्रावधान किया गया, तो थोड़ा सा हम लोग जो है उन प्रावधानों को भी जो समझने का प्रयास करेंगे। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जो लागू किया गया था उसके माध्यम से भाग 9 अनुसूची 11 आर्टिकल 16 विषय 29, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, इसको जानकारी भी होना आवश्यक है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसे कि 1993 ईस्वी में लागू किया गया है के माध्यम से भारतीय संविधान में ये चीजें जोड़ी गई हैं, इसे याद करना आवश्यक है। हर परीक्षा में यहां से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि भाग 9 और अनुसूची 11 आर्टिकल 16 और ये 29 विषय लागू किए गए हैं और इसे 243 से लेकर के 243 ओ मतलब गोला हो गया, और गोला का मतलब हो गया कि सबको इसमें भर लिया है, इसके अंतर्गत ये है। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहीं से जो है ये हो जाएगा, एक तो 243 और दूसरा 243 ए बी सी डी है। तो जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ध्यान में आना चाहिए कि ओ का स्थान 15वें नंबर पे होता है, इजो टी, तो ओ जो है 15वें स्थान पे, तो 15 ये हो गया, एक 243 अलग है, तो 16 अनुच्छेद हो गए, जिसको दोनों ही मिला करके ध्यान देंगे तो आप लोगों के लिए ये याद करने में आसानी होगी। तो 243 से लेकर 243 ओ के बीच में यहाँ पे ये बातें बताई गई। आगे जो पी से लेकर के जेड जी तक जो है वो हम अगले क्लास में बात करेंगे, वो नगर पालिकाओं के बारे में है, तो पंचायतों के बारे में हम लोग यहाँ पे इसको देखने का प्रयास करते हैं। अब 243 में जो है 243 की अगर बात किया जाए तो 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया, ग्राम सभा की परिभाषा दिया गया है कि ग्राम सभा जो है गांव स्तर पर मतदाता सूची में जो है शामिल लोगों के जो एक समूह से मिलकर के बनेंगे, यानी कि ग्राम सभा निर्वाचित संस्था नहीं होती है, बल्कि ग्राम सभा जो लोगों का एक समूह होता है जो वहां की मतदाता सूची में शामिल होते हैं, और पंचायतें जो है वो छोटी होती है, ग्राम सभा बड़ी होती है, पंचायतों में चुने हुए लोग होते हैं और ग्राम सभा जो है
वो मतदाता सूची में सम्मिलित लोगों का समूह होता है। तो 245 में जो है ग्राम सभा को जो है बताया गया है, ग्राम सभा को बताया गया है। और इसी तरीके से 245 ए के अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि ग्राम सभा उन शक्तियां और उन कार्यों को संपादित करेगी, उन शक्तियों को प्रयोग करेंगे और उन कार्यों को संपादित करेगी जिन्हें राज्य विधानमंडल के द्वारा इन्हें दिया जाएगा। कानून तो संसद से पास हो गया लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें बताई गई कि राज्य विधानमंडल के कानून के अनुसार जो है काम करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने देखा कि 243 और 243 में जो है ग्राम सभा और इनकी जो है शक्तियों के बारे में जो बताया गया है कि वही शक्तियां प्रदान करेंगी, कार्य करेंगी और वही शक्तियां जो प्रयोग में लाएंगी जो कि राज्य विधानमंडल के द्वारा दी जाएगी। 243 जो है बी में कहा गया है त्रिस्तरीय, प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जहां पर पंचायत समितियों का गठन होता है, यह भी सवाल पूछा गया है परीक्षा में कि पंचायत समितियों का गठन कहां होता है, तो मध्यवर्ती स्तर पर, और जिले स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। लेकिन इसके संदर्भ में यह बात कही गई है कि जिन राज्यों की जो है जनसंख्या वो 20 लाख से जो है 20 लाख से अगर जो है कम होगा, 20 लाख से जो है इनकी जनसंख्या अगर जो है कम होगी, जिन राज्यों की जनसंख्या वो 20 लाख से कम होगी वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन से छूट दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये बातें कही गई 243 बी के अंतर्गत। और 243 सी में कहा गया है पंचायतों का जो है गठन, एक चीज यहां पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 243 और 243 ये में हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं और 243 बी और सी में जो पंचायतों के बारे में कि पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होगी और पंचायतों का गठन होगा। मतलब ये ग्राम सभा और पंचायतें अलग होगी, पंचायतों का गठन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो त्रिस्तरीय ढांचा भी स्थापित किया गया उसके अंतर्गत जो तीनों स्तर के जो है सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होगा। तो तीनों ही स्तर पर जो सदस्यों का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है लेकिन जो अध्यक्ष का चुनाव है वो ग्राम स्तर पर तो प्रत्यक्ष रूप से होता है जिसे प्रधान कहा जाता है प्रधान, और मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का तात्पर्य यह है कि जनता के द्वारा जिन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है उनके द्वारा जो उसका चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पे ग्राम स्तर पर जो है जो अध्यक्ष होगा उसको प्रधान कहा जाता है, जो मध्यवर्ती स्तर पर होता है ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, और इसी तरीके से जो जिला स्तर होगा उसे जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये बातें रही जो है पंचायतों का गठन के संदर्भ में, पंचायतों की जो है कंपोजिशन के संदर्भ में या पंचायतों की संरचना के संदर्भ में। तो तीन सदस्य को ध्यान में रखना है कि तीनों ही सदस्य प्रत्यक्ष होते हैं, जनता सीधे चुनती है, और अध्यक्ष की अगर बात करें तो निचले स्तर पर अध्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष होगा और मध्यवर्ती स्तर पर तथा जिले स्तर पर जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये पंचायतों के गठन की जो बातें सी में कही गई हैं। अब इसी में जो है हम आते हैं डी पे। डी में जो है आरक्षण, आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका किसमें है, तो 243 डी आपको सीधा बताना है। और 243 डी के अंतर्गत बताया गया है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ध्यान रखिएगा जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षण प्रदान किया जाएगा, और दूसरा जो है इनमें से भरी जाने वाली जो सीटें होंगी उनका कम से कम एक तिहाई भाग महिलाओं से भरी जाएंगी। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि जो है अनुसूचित जाति और जनजाति को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात मिलेगा और उन्हीं में से एक तिहाई जो है महिलाओं को दिया जाएगा, जो अनारक्षित होंगी उनमें जो बची हुई अनारक्षित की सीटें उनमें से एक तिहाई दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के टोटल का भी एक तिहाई आरक्षण जो महिलाओं के पक्ष में चला जाएगा। बाद में राज्य विधानमंडल को यह छूट दिया गया था कि वो
ओबीसी इत्यादि के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो बाद में लगभग लाख राज्यों में जो है ओबीसी को भी आरक्षण दे दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी दिया गया, और हाल फिलहाल में भी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कुछ पंचायतों में सीटें आरक्षित की गई, तो जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे पंचायतों में ओबीसी के लिए भी आरक्षण किया गया है। तो यह आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के अनुपात में है और एक तिहाई जो है महिलाओं को दिया गया है। ई में जो है कार्यकाल की बात कही गई है, इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है और इनका कार्यकाल जो इनकी पहली बैठक से शुरू होता है और 5 वर्ष तक चलता है। यह भी सवाल पूछा गया है कि इनका कार्यकाल कब से होता है, तो पंचायतों के गठन के बाद उनकी प्रथम बैठक से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। यदि बीच में जो पंचायतें विघटित हो जाती हैं तो यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंचायतों को जो शेष कार्यकाल के लिए ही जो है गठित किया जाएगा, और जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, अगर 5 वर्ष के बाद कार्यकाल पूरा हो गया तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंतर्गत, अधिकतम 6 माह में जो है इनका गठन किया जाना आवश्यक होगा। तो इसमें 3 बातें हैं, एक तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ, दूसरा कि अगर बीच में विघटित होती हैं तो केवल शेष कार्यकाल के लिए होगा, और तीसरी बात यह है कि जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो अधिकतम 6 माह में इनका चुनाव करवाना आवश्यक हो जाएगा। ये जो है पंचायतों के संदर्भ में है। इनके अध्यक्ष को, पंचायतों के अध्यक्ष को हटाने की भी व्यवस्था है, लेकिन वो न्यूनतम 2 साल के बाद ही हटाया जा सकता है, 2 साल के बाद ही हटाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसे 2/3 बहुमत से सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बातें जो है पंचायतों के कार्यकाल के संदर्भ में रही। यफ में जो है कहा गया है इनकी योग्यता के बारे में, तो इनके न्यूनतम आयु जो कि 21 वर्ष निर्धारित है उसको छोड़ करके बाकी सारी की सारी योग्यता वही होगी जो विधानसभा सदस्य के लिए होती है। आयु की जहां तक बात है तो वहां 25 साल है, यहाँ पे 21 साल, तो ये 21 साल को जो ध्यान में रखना आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला है जो है जी, अगला जी है 243 जी। जी का मतलब अगर हम देखें थोड़ा सा जो है तो ग्रेविटेशनल होता है, तो जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पावर। तो जी से जैसे हम जब विज्ञान पढ़ते थे तो जी का मतलब होता था, तो यहां पर भी वही कहा गया है कि राज्य जो है पंचायतों को जो है इस तरीके से जो है शक्ति प्रदान करेगा जिससे कि वो स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम कर सकें। यहाँ पे बी में भी कहा गया शक्ति है, तो ग्राम सभा के लिए था, और पंचायतों के लिए जो है स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम कर सके तो जी में कहा गया है। इसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि पंचायतें जो है वो सामान्यतः जो है आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को बनाएंगी और संचालित करेंगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर जो विकास के कार्यों को बढ़ाया जा सके। तो जी में कहा गया यच को, अगर यच जैसे इस तरीके से बना है ना, अगर यच के इधर के दोनों पार्ट को बंद कर दिया जाए तो ये जो है ड्रम हो जाता है, बॉक्स। अब इसका मतलब यहां से इसको इसलिए बताया जा रहा है यच को कि ताकि आप ये समझ सकें यच में करा रोपण है, यानी कि कोई भी जो है अगर धन संपत्ति बाहर से आता है तो व्यक्ति बॉक्स में रख देता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे हुआ कि यच में जो है करारोपण की व्यवस्था है, और पंचायतों के करारोपण के बारे में प्रावधान करने की बात है, और कहा गया है कि राज्य जो है इनको कर शुल्क और चुंगी के बारे में जो है कर लगाने और वसूलने का अधिकार दे सकेगी। तो यहां 3 शब्द हमने बोला, कर, शुल्क और चुंगी, इनमें क्या अंतर है? कर का मतलब यह होता है कि किसी भी गतिविधि के सापेक्ष जब राज्य के द्वारा कोई आर्थिक जो है भार किसी व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है या आर्थिक भार दिया जाता है जिसके बदले में राज्य उनको कोई सेवा नहीं देता है, वो कर होता है, जिसे हम कहते हैं टैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं टैक्स। और शुल्क, शुल्क का मतलब ये होता है कि राज्य जो है किसी सेवा के बदले जब कोई भी जो है आर्थिक भार किसी व्यक्ति पर डालता है तो वो शुल्क होता है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं फी, है ना? तो क्या हुआ, फीस का मतलब ही वही होता है कि हम कोई सेवा ले रहे हैं जिसके बदले में उनको जो कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो ये फी हो जाता है, इसके बदले कुछ नहीं देता। चुंगी का मतलब ये जो रास्ते होते हैं जहां से कोई गाड़ी जा रही है, कोई आ रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, चुंगी। तो कर शुल्क और चुंगी में आपको अंतर पता चल गया होगा। तो ये व्यवस्था हमने देखा जो है यच के अंतर्गत दिया गया है। आई में कहा गया है क्या, आई माने इनकम, इनकम जो है वित्त से होता है, तो यहां पे वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। थोड़ा सा इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो परीक्षा के लिए बहुत आसान हो जाएगा टॉपिक।
बहुत आसान हो जाएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। आई मतलब वित्त आयोग का है, इसमें राज्यपाल को शक्तियां दी गई कि वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करेगा। और वित्त आयोग का कार्य क्या है, ये विभिन्न प्रकार के करों से जो राज्य को आय प्राप्त होगी उसके बंटवारे के बारे में बताएगा। राज्य के संचित निधि से पंचायतों को किस तरीके से सहायता दिया जाएगा इस पर सुझाव देगा और पंचायतों की आय में वृद्धि करने के विभिन्न उपाय को सुझाए। ये पंचायतों का कार्य होगा। अब जब वित्त आ जाएगा तो इसके बाद इसका जो है काम अगर होगा तो इस पे जो है अंकेक्षण की व्यवस्था, ऑडिट जिसको कहते हैं, अंकेक्षण की व्यवस्था इस पे होती है, माने कि ऑडिट इत्यादि का काम यहां पर किया जाता है। सोशल ऑडिट भी उसमें बताया गया, ग्राम पंचायतों में जब अगर आप लोकल में जाकर के देखेंगे तो ये सोशल ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो जाकर के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पर जो है सवाल जवाब करती है और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है कि जो पंचायतों को बजट आया था वो जनता के हित में खर्च किया जाए। तो जे के अंतर्गत जो है अंकित छठी व्यवस्था के एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा जो केवल पंचायतों नगर पालिका के चुनाव को संपन्न करेगा। यहां पे यह बात क्लियर है उसे क्लियर रूप में जो समझ लेना आवश्यक है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा यो केवल स्थानीय सुशासन के अंतर्गत पंचायत और नगर पालिकाओं का जो चुनाव संपादित करता है, जबकि जो है अन्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद का जो चुनाव है वो भारत निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की व्यवस्था राज्य के जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था के अनुसार ही होता है। कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ पे लागू की गई हैं, जैसे राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो संघ राज्य क्षेत्रों में इसको थोड़े से परिवर्तन के साथ भी लागू कर सकता है। यद्यपि पंचायतों को लागू करने के बारे में जो नियम कानून होगा वो संसद बनाएगा, लेकिन परिवर्तन के साथ लागू किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। और इसीलिए जो है पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 संसद के द्वारा पारित किया गया, भी एक सवाल परीक्षा में पूछा गया, तो यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 3 राज्य हैं नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, नमेमी जिसको कहते हैं। 2-3 ट्रिक इस तरीके से मैंने बताया है पीछे के भी लेक्चर में, अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो चौथा अनुसूची है उसमें 4 राज्यों की बात है, तो अमिमिति के बारे में जो है पांचवें में है, जो है अमिमिति के बारे में जो है बताया गया है। और इसी तरीके से नमीमी बताया गया है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायतों की व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से मणिपुर में देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में जिला परिषद की व्यवस्था है, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में दार्जिलिंग गोरखा परिषद की जो व्यवस्था है। और एक और शब्द इसी तरीके से बताया गया था, 3 जो है राज्य जिनमें सबसे बाद में जो है उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, तो मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। ममिति है उसमें, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। तो ममिति है, नमेमी है और अमिमिति। अमिमिति के अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, जिसका प्रावधान अनुसूची 6 के अंतर्गत किया गया है। 4 और 6 यानी कि दोनों सम संख्या है। तो थोड़ा सा ये याद करने का एक तरीका है जिसके बारे में हम लोगों ने बता दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पंचायतों के चुनाव के बारे में कोई समस्या उत्पन्न होती तो ध्यान रखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तरह से हाईकोर्ट हम नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर उसी तरीके से होगा जैसा कि राज्य विधानमंडल इसके बारे में कोई व्यवस्था बनाएगा और राज्य विधानमंडल के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा ही इसकी जाँच किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा किया। पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक है, यहाँ से बहुआयामी सवाल पूछे जाते हैं और आपके परीक्षा में भी यहाँ से सवाल का आना आते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से पढ़िए, अपने आप को मजबूत कीजिए, आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अपनी दावेदारी को प्रबल कीजिए। तो आज की इस पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिली हुई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।